तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ फिलिप्स का 20 वाट का एलईडी लाइट ड्राइवर सर्किट। तो दोस्तों ये सर्किट पूरा डेड है, तो इसमें थोड़ा सा फ्लास तो हो रहा है लेकिन ये पूरा डेड है, लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसको ही हम देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों इसमें एक कंडेंसर रहता है जो कि 50 वोल्ट और 6.8 माइक्रोफैराड का। तो इसको ही हम रिप्लेस करेंगे, करने के बाद इसको लाइन देके देखेंगे सीरीज में ये ग्लो करता है कि नहीं करता है दोस्तों। तो देखिए वो वाला कंडेंसर जो कि 6.8 माइक्रोफैराड का, तो इसमें 50 वोल्ट है, आप 63 वोल्ट भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जल्दी से मैं वो कंडेंसर ढूंढ लेता हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल का वीडियो देखते हो और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं और भी नया नया वीडियो लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारा बंदा वीडियो देखता है लेकिन लाइक नहीं करता है। तो लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत खुशी होता है और भी हम बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि अगर लाइक नहीं रहता है तो मुझे लगता है वीडियो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वीडियो इसीलिए बनाने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, क्या पसंद होगा या नहीं होगा या उसका काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप लोग के पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप ये वाला जो ट्रिक्स है दोस्तों इसको आप यूज़ करके देख सकते हो। तो ऐसा तो हर एक ट्यूबलाइट में नहीं होगा, तो हर एक ट्यूबलाइट में अलग अलग जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो इसमें जो है सर्किट में तो मतलब फ्लास दिख रहा था, मतलब चालू है लेकिन इसका लाइट जो है ग्लो नहीं कर रहा था। तो कभी कभी क्या होता है ये वाला जो छोटा वाला कंडेंसर है ये ख़राब होने से ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों मैंने इसमें लगा दिया है जो कि 50 वोल्ट 6.8 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर था, उसको हमने चेंज कर दिया है। और अभी थोड़ा मैं सोल्डर कर रहा हूँ जगह जगह पे, जहाँ पे हमको दिख रहा है ड्राई सोल्डर हो सकता है। तो अभी इसमें हम सीरीज में दोस्तों 220 वोल्ट सीरीज में इसका कनेक्शन देंगे, देके देखेंगे ये लाइट ग्लो करता है कि नहीं करता है। और दोस्तों देखिए हम इसको लगा के देखते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों ये जो ट्यूबलाइट अभी ग्लो नहीं कर रहा था, तो कंडेंसर चेंज करने के बाद ये अच्छे से ग्लो हो रहा है। तो मतलब इसमें जो कंडेंसर रहता है दोस्तों स्विचिंग का काम करता है, तो इसी कारण वो थोड़ा प्रॉब्लम होने से एलईडी लाइट ग्लो नहीं कर रहा था ट्यूबलाइट। तो अभी देखिए ये ग्लो कर रहा है। तो आप इसको घर बैठ के भी कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान है और आज का वीडियो बहुत छोटा भी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो भी नया लोग इसको देख रहे हो दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप ढेर सारा वीडियो है, 160 से ऊपर है, उसको देख के आप लाभ उठा सकते हो दोस्तों। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।